कमेंट आया था कि नीलम मुनीर का कमेंट कब आया आपकी वीडियो पे? भाई मैं आबिद के पास आया हूँ यहाँ पे ना सामान लेने के लिए, रमजान ऑफर बता रहा है मुझे। अभी अभी गुड मॉर्निंग हुई है और सुबह का बज रहा है 11:26 और रात को ऐसी कोई भयानक नींद आई थी मुझे कि फ़ोन, एप्पल वॉच और कैमरा तीनों चीज़ें चार्ज पे नहीं लगाई थी और तीनों की बैटरी अब हो रही है शदीद लो। लेकिन अभी मुझे जाना है बाहर, इनको जल्दी से चार्ज पे लगाते हैं, शावर लेते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या गेम है। आ जाओ। ये है मरी हुई बिल्ली, डेड कैट, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हवा का जो शोर होता है ना वो नहीं आता। और माइक लगा हुआ ना अगर फ़ोन में तो फिर ये होता है कि वो फड़फड़ फड़फड़ आ रही होती है आवाज़, लेकिन इसमें ये होता है कि आवाज़ ब्रेक हो जाती है, वो जैसे नेटवर्क ख़राब होता है ना और आवाज़ इस तरह से आ रही होती है। बिल्कुल अगर डेड कैट ना लगाएं और थोड़ी सी भी हवा चल रही हो तो आवाज़ ब्रेक होती है, तो इस वजह से हम अभी लगाएंगे ज़रा ये मरी हुई बिल्ली, फिर आपके साथ करते हैं एक दो बातें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई अभी गेम यह है कि जद्दा के अंदर ऑफिशियली गर्मी आ चुकी है और मैंने सुना है कि कराची में भी कोई जहानों की गर्मी पड़ रही है और लाहौर में भी गर्मी पड़ रही है। आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी हैं बताओ कि वहाँ पे क्या मौसम हो रहा है, कैसा मौसम हो रहा है, गर्मी आई नहीं आई या क्या सीन है। और अभी असल में मुझे लग रही थी सर्दी, तो इस वजह से नम्मो ने मुझे बोला आप जाके बाहर बैठें, और शदीद मतलब जिसे कहते हैं ना फुल सवा नेज़े पे सूरज है और गर्मी का माहौल हो रहा है आला। और मुझे पर्सनली गर्मी पसंद है क्योंकि जब वो गर्मी जिस्म के अंदर आप घुसती है ना तो ऐसी तवानाई फील होती है, और ये सूरज के नीचे मैं तकरीबन कोई 3-4 महीने के बाद इस तरह से सूरज के नीचे आके बैठ रहा हूँ, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। दिल गार्डन से हो रही है लेकिन मौसम लबेशीरी सा नहीं हो रही है। करने क्या बैठा हूँ मैं, आके यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने और पानी पीने। सुबह ही सुबह एक गिलास निहार मुँह तसल्ली से सुन्नत के तरीके से 3 घूंट में बैठ के पानी के अंदर देख के सकून से पानी पियो, आपका निज़ाम हाजमा अच्छा रहता है। पानी पीते हैं उसके बाद आपको मज़ीद बात बताता हूँ। एक बहुत प्यारा कमेंट आया हुआ था उसका रिप्लाई करना है। 37 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और बालों पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है मेरा आजकल, तो अहमद भाई आपके पास आने वाला हो रहा है। कैसे हो रहे हैं बाल, ये क्या निकला हुआ हो रहा है यहाँ से, मतलब फुल सेट करवाने वाले हो रहे हैं, शेप वेप भी सेट करवाने वाली हो रही है। खैर जो कमेंट आया हुआ था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो मैंने उसका वहाँ पे भी रिप्लाई इवन, और हाँ यार आप लोग बोलते हो आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, तो यार कमेंट्स का तो मैं रिप्लाई करता हूँ। पता नहीं आप लोग कहाँ कमेंट करते हो जो आप लोग हमेशा ये शिकवा करते हो कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता, लेकिन आप लोग बताओ ज़रा कमेंट करके कि मैं रिप्लाई करता हूँ या नहीं करता। यार एक वो कमेंट है बताता हूँ, मैंने उसका वहाँ रिप्लाई भी यही किया था कि मैं इसका रिप्लाई व्लॉग में करूँगा। कमेंट आया था कि नीलम मुनीर का कमेंट कब आया आपकी वीडियो पे, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी टेक ट्यूसडे के नाम से, एप्पल की प्रोडक्ट्स का मजाक उड़ाया था एक तरीके से, मतलब वो वाली वीडियोस नहीं होती सरकैसिज्म किस्म की, वो वाली इंग्लिश चेक कर लड़ गई, तो वो मैंने बनाया था। और उसके अंदर वो जो आईफोन 11 आया था ना वो, उसमें यहाँ पे 2 कैमरे और यहाँ पे पता नहीं फ्लैश था और साथ में एक माइक का होल था, तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे नीलम मुनीर का यहाँ पे तिल है ना, तो वो बिल्कुल वही वाला लुक देता था। तो उसका मैंने टाइटल रखा था वाई आईफोन 11 लुक्स लाइक नीलम मुनीर, तो उस वो बड़ा मतलब ज़बरदस्त वीडियो थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोग जाके चेक कर सकते हो, बहुत ही कोई आला वीडियो थी। तो मुझे पर्सनली भी अपनी वो वाली वीडियो बहुत बहुत मज़े की लगी थी, तो उस पे कमेंट आया था फेसबुक पे, अगर मैं जाके देखता हूँ अगर मुझे वहाँ पे वो मिला तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूंगा। और फिर मैंने जाके देखी थी वो प्रोफाइल, पूरा देखा था कि हाँ भाई वाकई में वो नीलम मुनीर की है प्रोफाइल या नहीं, तो वो वाकई में नीलम मुनीर की प्रोफाइल थी। मतलब हल्का ले रहे हो यार आप लोग, जब नीलम मुनीर का कमेंट आ सकता है तो अमिताभ का भी आ सकता है। भाई मैं तो अभी तकरीबन 10-15 मिनट बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन और कैमरा इतना गर्म हो रहा है कि फ़ोन में अभी थोड़ी देर में वो लिखा हुआ आने वाला है कि मतलब बस अब बहुत हो गई अंदर चलो, और कैमरा भी ऐसे गर्म हो रहा है, पता नहीं इसमें कभी लिखा हुआ आया नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी जब ये ओवर हीटेड हो जाए तो लिखा हुआ आता है। तो खैर अंदर चलते हैं, नाश्ते की गेम ऑन होने वाली है, अंदर खाना वाना खाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ आज बालों में तेल लगवा लूँ क्योंकि सर ना बड़ा हो रहा है खुश्क, चंपी मोड ऑन करते हैं आज ज़रा।
ठीक है, आप लोगों की ज़बान में क्या बोलते हैं बालों में तेल लगवाने में? हम लोग चंपी भी बोलते हैं, वो चंपी कराना कहते हैं उसको, वो जो यूं यूं करके ऐसे नहीं, पूरे ख़ानदान बैठा हुआ होता है एक दूसरे के बालों में तेल लगा रहा होता है, तो वो उसको आप लोग क्या कहते हैं वो बताओ ज़रा। थोड़ा सा 1-1.5-2 घंटे के लिए तेल लगवाते हैं बालों में, ज़रा सुकून आए, सुकून मिल गया यार, सर गर्म हो रहा है बिल्कुल, ऊपर से जो सूरज लग रहा है ना पसीना आ रहा है तो ज़रा अच्छा लग रहा है यार। चलो अंदर चलते हैं यार। जाते जाते एक बात और जहन में आई, मतलब व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा, अंदर जाने से पहले एक बात और जहन में आई तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि जो सबसे बेस्ट लाइट होती है ना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए, वो कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती, वो ये डे लाइट होती है, सन लाइट होती है, या दिन का जो टाइम होता है ना ये सबसे भरपूर और सबसे बेस्ट लाइट होती है। तो इसमें आपको अपने भाई का चेहरा भी पुरनूर और मुनव्वर नज़र आ रहा होगा ना, मतलब जितनी भी आप आर्टिफिशियल लाइट्स लगा लो ना ये वाली चीज़ नहीं लेके आ सकते, ये सच बात है बिल्कुल। मैं ये सोच रहा हूँ कि फूड से रिलेटेड जो वीडियोस का मैं वो कर रहा था तो वो भी मैं दिन की रोशनी में बनाऊँ, उसमें वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट बॉक्स और ये वो सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चल रहा है उस पर भी काम चल रहा है, अंदर आओ चलो, गर्मी लग रही है, अब दिमाग घूम रहा है गर्मी से, आ जाओ। आज नम्बो ने बनाई है 9 लखा बिरयानी, ठीक है। 9 लखा बिरयानी क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि घर के अंदर पिछले पूरे हफ्ते में जो खाने बच रहे होते हैं, जिसको इंग्लिश में लेफ्ट ओवर्स कहते हैं, वो फ्रिज में जो रख रहे होते हैं, जिसके अंदर चिकन भी होता है, सब्जी भी होती है और कीमा भी होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब फ्रिज के अंदर रखी जा रही होती हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके, मुंह में पानी इतना आ रहा है भूख लग रही है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके उसको चावल पे दे दिया जाता है दम, और फिर अंदर से निकलती है बन के 9 लखा बिरयानी, ये वाली बिस्मिल्लाह करते हैं। अकेले खाना खाने में मज़ा नहीं आता, तो इस वजह से हमारे खाने के साथी होते हैं जुनेद भाई, द ग्रेटेस्ट गंजी स्वैग। Long story short, my small freelancing startup runs on advances, and from day one, I was manipulated. चलो भाई अब चंपी टाइम शुरू हो गया, और इतने अरसे के बाद तेल लगवा रहा हूँ मैं यार सर में, उफ ये लगा के रखूँगा मैं कोई 1.5-2 घंटे हैं कल तक लगा ले मैं तुम्हें, और ये फिर तेल लेके फिरूँ मैं। चंपी हो चुकी है, अब गेम है नहाने की, नहा के मैं जा रहा हूँ बाहर, अब 2-3 काम हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर वापस घर आएंगे। आ जाओ। काम यह था कि अजीज़िया से कुछ सौदा वगैरह भी लेना था, शेप शूप भी बड़ी हुई थी बड़ी, तो मैंने कहा अहमद भाई के पास से भी बोलें। हाँ भाई, तो लुक हो गया है चेंज अल्हम्दुलिल्लाह, शेप वगैरह बनवा ली, थोड़ा सा अच्छा लुक हो गया, और अब जा रहे हैं आबिद भाई के पास, क्योंकि आबिद भाई को दी हुई थी हमने सब्ज़ी की लिस्ट, तो वो उनके पास तैयार पड़ा हुआ सामान, जाके वो लेंगे उनसे फिर जाएंगे घर। और ऐसी कोई नींद आ रही है ना वो भाई साहब, मतलब ऐसा हो रहा है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए, ऐसा हो रहा है, टाइट नींद नहीं होती जैसे टाइट वो वाली। खैर अभी मैं रेडियो सुन रहा था तो आज जैकी चैन की बर्थडे भी है, पता नहीं कौन से वाले जैकी चैन की, वो पता नहीं बड़ी लंबी डिटेल बता रही थी वो कि ये फलां 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 जैकी चैन था, उसकी बर्थडे है आज, और ये वो पता नहीं कुंगफू वाला जैकी चैन था या वो वाला था, वल्ला वाला। खैर अभी तो फ्यूज़ हुआ हूँ अहमद भाई के पास से निकला ना। अच्छा बार्बर शॉप पर बैठ के अक्सर ऐसा होता है आपको नींद आ रही होती है, और भयानक नींद आ रही होती है, पता नहीं क्यों, शायद बड़ी देर के बाद आप तसल्ली से बैठते हो, सुकून से बैठते हो। वैसे मैं उठा हुआ अभी सुबह का हूँ ना, तकरीबन कोई 10, 10:30, 10:30, 11 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, तो 12 घंटे की ये अपनी कैपेसिटी है जागने की, तो वो पूरी होने वाली है। चलो भाई। अच्छा भाई मैं आबिद के पास आया हूँ यहाँ पे ना सामान लेने के लिए, रमज़ान ऑफ़र बता रहा है मुझे कि भाई मेरी तरफ से जो भी आएगा रमज़ान ऑफ़र में, कब तक है ये? रमज़ान पूरा महीना। पूरा महीना ठीक है, 100 रियाल का सामान लो 10% ऑफ, अपने भाई का नाम 10% डिस्काउंट ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप रमज़ान आओ ऊपर 10% डिस्काउंट सलमान भाई का नाम। अच्छा एक एक ये हरकत नहीं करना कि आके पहले सब्जियों में प्राइस भी कम करवाई फिर उसके बाद 10% और भी ली, मुश्किल ये भी कर ले, चलो कर लो ये भी कर लो ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे है ये अमीन स्टोर ऊपर यहीं पे, और ये सामने यासमीन चक्की है, और ये आबिद की दुकान यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ठीक है ना, ये रोड की।
ये फ्रूट फ्रूट की भी वीडियो बना रहे। फ्रूट फ्रूट में क्या लेंगे आप? ये देखो माशाल्लाह ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रूट ना, मोस्ट वेलकम आप लोग आएँ, हर चीज़ मिलेगी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई घर आ चुका है और बड़े ही अरसे के बाद लेजेंडरी झूले पे आपका भाई विराजमान हुआ है, बड़े ही अरसे के बाद। और मुझे भी बड़ा टाइम हो गया था, मतलब मैं ख़ुद झूले को सामने देखते हुए भी मिस कर रहा था। एनीवेज घर आ चुका हूँ, रात का तकरीबन 12:05 का मैं, और नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है शदीद, नमो सो चुकी हैं क्योंकि सुबह सुबह के उठे हुए थे। अभी मैं बैठ के खाना वाना खाऊंगा, बट यहाँ पे आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि यार आप लोग ना बड़े ही एक तरीके से ये कह लो कि वैसे किसी को अगर बोलो ना आप बड़े ही, वो बंदा एकदम से चौंक जाता है, मतलब क्या बड़े ही, क्या कुछ बुरा कहने वाला है बंदा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोग बड़ा प्यार करते हो, मतलब मुझे अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ को इन्जॉय करता हूँ, और मैं इस चीज़ को मतलब बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ अपने लिए कि माशाल्लाह आप लोग इतना प्यार करते हो, हर तरह से प्यार करते हो, कमेंट्स करते हो, मोहब्बत दिखाते हो, मैसेज करते हो, और जब मिलते हो तो मतलब हदें पार हो जाती हैं सारी ना। आज एक भाई मिले मुझे बारबर शॉप पे, तो बड़े प्यार से मिले, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया कि उनका क्या काम है, आईटी का काम है उनका, डेवलपमेंट वगैरह का काम है। उसके बाद उनका मैसेज आया कि भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, नो एरोगेंस और नो इस तरह से कुछ। तो मैंने कहा यार किस चीज़ की, मेरे समझ नहीं आती कि एरोगेंस अगर हो तो किस चीज़ की हो, मतलब आप लोगों से मैं हूँ और मतलब मैं खुशी मुझे जो मिलती है वो आप लोगों के होने से मिलती है, तो मतलब आप लोगों से ही मिलके अगर मैं एरोगेंस और वो फुल चौड़ापना अगर मैं दिखाऊंगा तो फिर मतलब समझ नहीं आती मुझे वो चीज़, मतलब ओरिजिनलिटी नहीं रहती फिर, वो मोहब्बत नहीं रहती, वो मोहब्बत टू वे होती है वाली बात है ना जो, वो फिर वो नहीं रहती। अगर कभी ऐसा खुदा न खास्ता लगता है या कहीं लगे कि आपका भाई कोई बहुत ज़्यादा एरोगेंट है या कुछ भी इस टाइप का, तो ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल बेमान है। जो लोग मुझसे मिल चुके हैं पहली दफ़ा उनको पता होगा कि आपका भाई कैसे और कैसे मिलता हूँ मैं, ये भी पता होगा। और बस इतनी सी बात थी, खैर एक बात दिल में आई तो मैंने कहा आप लोगों से बात करूँ। एनीवेज आज का दिन करते हैं ख़त्म, जाके मैं ज़रा शावर शुगर लूँ क्योंकि बाल बाल हो रहे हैं सारे, नहाऊँगा खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। यहाँ तक आपने व्लॉग देखा और यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कंटेंट आपके भाई का इंटरेस्टिंग लगा है, ठीक है? तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैंने देखा था कि 70% अनसब्सक्राइब लोग मुझे देखते हैं और 30% सब्सक्राइब लोग देखते हैं, तो ये गलत है, ठीक है? तो आप लोग सब्सक्राइब करके फिर ही जाना, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखना और ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हाँ।